हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी कि बोली क्या है, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है या मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर देखेंगे कि हम किसे बोली कह सकते हैं, किसे उपभाषा बोलेंगे, किसे भाषा बोलेंगे, किसे राष्ट्रभाषा कहेंगे, किसे मातृभाषा कहेंगे, किसे राजभाषा कहेंगे। इन सब में हम अच्छे से डिफरेंस देखेंगे। तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बोली। बोली क्या होता है, पहले हम छोटे छोटे इसके बारे में देखेंगे थोड़ी थोड़ी शब्दों में, फिर इसके बाद में इसका थोड़ा सा हम विस्तृत रूप देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं बोली की। तो बोली क्या होती है, देखिए बोली वो होती है जो सीमित क्षेत्र होता है। भाई बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएगी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता। जैसे किसी एक जिले की हो गई बोली ना, एक जिले में या फिर दो तीन जिलों में, इस हिसाब से ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में वो बोली बोली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बोली का एक छोटा सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे बोली आपने सुना होगा कि अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये क्या है, बोलियां हैं, ठीक है। इसके बारे में हम अभी देखेंगे विस्तार से। तो इसका देखिए एकदम सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र ना, उसे क्या बोलते हैं, बोली, ठीक। उपभाषा क्या होता है, देखिए उपभाषा बोली के क्षेत्र का विकास हो जाता है, जब बोली के क्षेत्र का थोड़ा विकास हो जाता है तो वह उपभाषा हो जाती है, ठीक। एक उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां आ सकती हैं, ठीक। भाषा क्या होता है, भाषा, देखिए बोली और भाषा में क्या अंतर है, बोली का सीमित क्षेत्र होगा, भाषा का क्या होगा, व्यापक क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, ठीक है, बड़ा सा क्षेत्र होगा। कहो पूरे देश में एक ही भाषा बोली जाए, ठीक, ऐसा भी हो सकता है, पूरे देश की भाषा, पूरे देश में एक भाषा हो सकती है, ठीक है, या फिर पूरे देश में कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, मगर इनका क्षेत्र बोली से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उसे हम भाषा बोलेंगे। अब देखिए मातृभाषा, राष्ट्र, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मातृभाषा किसे कहते हैं, माँ के मुँह से, परिवार से, समाज से जो हम सीखते हैं, वो जो भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। वैसे मातृभाषा मदर टंग है ना, जो माता के हम मुँह से सीखते हैं। जैसे हम बचपन में क्या सीखते हैं, जैसे हम मान लिया कि हम अपने रायबरेली जिला से हैं, तो रायबरेली जिला में कौन सी भाषा है, भाई आपको पता है कि यहाँ पे हम हिंदी, अगर हम पैदा होते हैं तो परिवार में हमारे हिंदी बोली जाएगी, तो वही हम हिंदी सीखते सीखते बड़े हो जाएंगे, ठीक है, वही हम परिवार से सीखेंगे, अपने समाज से सीखेंगे, तो वही क्या हो जाएगी हमारे लिए, क्या हो जाएगी मातृभाषा, क्या हो जाएगी, हिंदी। अगर वही बात हम बंगाल की कर लेते हैं, तो बंगाल में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, बंगाली हो जाएगी, क्योंकि भाई उनके माता पिता बंगाली बोल रहे होंगे, उनके परिवार में, समाज में, जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ क्या होगा, बंगाली भाषा ही बोली जाएगी, तो ठीक है। तो ये हो जाती है मातृभाषा, क्या मम्मी के मुख से या फिर परिवार से, समाज से जो भी सीखने को मिलता है जिस भाषा के बारे में, वो क्या होती है, मातृभाषा, ठीक। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा का मतलब तो राजकाज की भाषा, यानी प्रशासन में जो भाषा यूज होगी, मतलब कि आपके सरकारी ऑफिस में कौन सी भाषा यूज होगी, उसको हम राजभाषा कहते हैं, ठीक, सरकारी कार्यालय में, है ना, इस तरीके से उसको हम राजभाषा बोल सकते हैं या बोलेंगे। राष्ट्रभाषा क्या होती है, देखिए राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्र के अधिकांश या संपूर्ण जनता, अगर किसी राष्ट्र की, मान ले एक पूरा देश है, उसकी अधिकांश, मतलब अधिकांश मतलब ज्यादातर, है ना, ज्यादातर, है ना, ज्यादातर बोल सकते हैं, ठीक, या फिर संपूर्ण जनता या पूरी जनता द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग किया जाए, जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वही कहोगे राष्ट्रभाषा। वैसे हिंदी को हम कह सकते हैं, मगर हिंदी पूर्णतः राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक। तो अगर हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि हिंदी को हम कहाँ रख सकते हैं, हिंदी को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, मातृभाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा या फिर बोली, तो हम किसके अंतर्गत रखेंगे, राजभाषा के अंतर्गत, यही हमारा सही उत्तर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देखिए हम राष्ट्रभाषा मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए मातृभाषा कई राज्यों का अलग अलग है, ठीक, बंगाल में जाओगे तो अलग उसकी मातृभाषा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, तो हर जगह का मतलब एक अलग तरीके से मिल जाएगा, इसलिए हम मातृभाषा नहीं कह सकते, राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे देश में ऐसा नहीं है कि हिंदी ही बोली जाती हो, ठीक, कह सकते हैं, मगर इतना हमें औचित्य नहीं, क्योंकि राजभाषा ही क्यों चुनेंगे हम, ठीक, राजभाषा ही ऑप्शन क्यों चुनेंगे, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं संविधान की, क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है, और संविधान में राजभाषा किसको माना गया है, हिंदी को, ठीक, हिंदी को, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली देखेंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि भैया बोली का एक सीमित क्षेत्र, छोटा क्षेत्र बोली जाती है, बोली जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका विकास हो जाता है, जिसमें साहित्य रचना होती है, उसको भाषा बोलते हैं। भाषा का होता है बहुत बड़ा क्षेत्र, है ना, भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोली हो जाएंगी, ठीक।
अब मातृभाषा क्या होती है, माँ के मुंह से निकलने वाली जो भाषा होती है उसको हम सीखते हैं परिवार से समाज से, उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। राजभाषा क्या होती है, जो राजकाज की प्रशासन में यूज होती है, मतलब कि ऑफिसों में कार्यालयों में जो भाषा यूज होगी वो राजभाषा होगी, ठीक। राष्ट्रभाषा क्या होती है, पूरे राष्ट्र के अधिकांश या संपूर्ण लोग जो जिस भाषा को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, वही क्या होती है हमारी राष्ट्रभाषा। चलिए इसका हम थोड़ा विस्तार रूप से देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, अच्छे से देखेंगे। देखिए भाषा, सबसे पहले हम भाषा देखते हैं। देखिए भाषा क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भाष शब्द के, संस्कृत भाषा का शब्द है भाष ना, उससे भाषा की उत्पत्ति होती है, भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अगर कुछ हम बोलते हैं कहते हैं वही तो भाषा है भाई, हमारे मुख से जो निकलती है वो भाषा ही तो है किसी ना किसी तरीके से, ठीक। भाषा की अभिव्यक्ति, कहने का मतलब है जैसे कि हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति। मान लिया हम किसी, मान लिया ये ए खड़ा है और ये बी खड़ा है ना, अगर ए बी तक अपनी बात या बी ए तक अपनी बात पहुंचाना चाहता तो कितने माध्यम से पहुंचा सकता है, उसके तीन माध्यम, मौखिक, या तो ए बोल देगा, ठीक, बोल के बता देगा भैया आप यहाँ जाओ, ठीक, या फिर वो लिखित रूप से कहेगा, है ना, या तो वो लिखित रूप से कहेगा कि लिख के देगा भैया कि कागज़ पकड़ाएगा, नहीं बोलेगा भाई लिख के दे रहा, मान लिया भाई वो गूंगा है तो क्या करेगा, लिख के दे देगा, ठीक, लिख के दे देगा कि भैया आप हमारे पास आ जाओ, ठीक, तो हो गया लिखित रूप से। अब सांकेतिक रूप से आपने देखा होगा जब गूंगे बहरे होते हैं वो क्या करते हैं, इशारों में बात करते हैं, ऐसे हाथ हिला दिया आ जाओ, है ना, तो वो क्या हो गई सांकेतिक भाषा। आपने इसके अलावा देखा होगा कि कहीं भी हम देखते हैं कि ट्रेन को चलाने के लिए, है ना, रोकने के लिए, या फिर है ना रेड लाइट ग्रीन लाइट, है ना, ग्रीन सिग्नल और फिर येलो सिग्नल का प्रयोग करते हैं ट्रैफिक में, हम ऐसे सिग्नल प्रयोग करते हैं, या फिर हम कहीं देखते हैं तो रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे मार्क बने होते हैं, है ना, कि जैसे प्लस ये ऐसा बना होता है तो मतलब इसका चौराहा हो गया, है ना, तो इस तरीके से जो मार्क होते हैं ऐसे बन, ऐसे जो होता है ना नैरो ब्रिज आपने देखा होगा, सकरी पुलिया है ऐसे करके, है ना, तो वो सब क्या संकेतिक है, उन्हें उसमें आपको लिखा नहीं मिलता ना, आपको समझ जाना कि हाँ ये क्या संकेत करना चाह रहा, तो वो क्या होता है संकेतिक भाषा। तो तीन तरीके से हम अपनी भाषाओं का आदान प्रदान किसी के से कर सकते हैं, ठीक है, मौखिक रूप से बोलकर, लिखकर, संकेत इशारों में, ठीक, इशारा वाला कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है ना। चलिए भाषा का क्षेत्र काफी व्यापक होता है, भाषा का होता काफी व्यापक मतलब बड़े क्षेत्र में होता है, ठीक, भाषा काफी बड़े क्षेत्र में होता है ना, ठीक। हमने बताया भी है कि जैसे हिंदी क्या है, भाषा है, हिंदी क्या है, भाषा है, तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपने देखो लगभग 10 राज्यों में ये भाषा बोली जाती है, हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है, ठीक है। इसके बारे में कभी एक अलग सा वीडियो बना देंगे हिंदी के बारे में स्पेशल, कि हिंदी है क्या, है ना, तो उसके बारे में बना देंगे वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से। चलिए अब देखिए, अब जो हिंदी जो भाषा होती है, भाषा अंतर्गत कई उपभाषा आएंगी, ठीक, भाषा के अंतर्गत कई सारी उपभाषा आएंगी, ठीक, और उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोली आएंगी। देखिए समझिए, पहले एक चीज हम समझाना चाहते हैं आपको, जैसे भाषा के उदाहरण देख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मलयालम में भाषा आएंगे, ठीक। अब देखिए हमने क्या यहाँ पे देखा कि भाषा के अंतर्गत कई उपभाषा आती है, जैसे हमने कहा हिंदी, अब हिंदी के अंतर्गत कई सारी उपभाषाएं आएंगी ना, कई सारी उपभाषा, जैसे हमने मान लिया पूर्वी हिंदी, मान लिया, ठीक, पूर्वी हिंदी, ठीक, ये क्या हो गई उपभाषा। अब पूर्वी हिंदी के अंदर कई सारी बोलियां आएंगी, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक, छत्तीसगढ़ी, तीन भाषाएं, तीन बोलियां आ जाएंगी, ठीक, छत्तीसगढ़ी। हमने क्या देखा कि कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा बना रही, और एक उपभाषा, कई उपभाषा मिलकर एक भाषा बना रहे, ठीक। जिस प्रकार से अब देखिए, अगर हम हिंदी को एक देश मान ले, मान लिया भारत हो गया, ठीक, अब हिंदी क्या हो गया, भारत देश हो गया, अब क्या होगा कि इसमें क्या है, स्टेट हैं, राज्य हैं, जैसे मान लिया कि इसके अंदर बहुत सारे राज्य हो गए, तो राज्य में हम यूपी लेते हैं, ठीक है, तो यूपी से, ठीक, राज्य हो गए, अब राज्य में क्या होता है, जिला, जिला है ना, जिला, ठीक, कई सारे जिला होंगे। अब देखिए कई सारे जिला की तुलना हम किससे कर देते हैं, बोलियों से, क्योंकि कई बोलियों से मिलकर जिस प्रकार से उपभाषा बनता है, उसी तरह कई जिलों से मिलकर एक राज्य बनेगा, और कई राज्यों से मिलकर एक देश बनेगा, उसी प्रकार से कई बोलियों को मिलाकर क्या बनेगा, एक उपभाषा, जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को मिलाकर एक पूर्वी उपभाषा बनी, अब कई सारी उपभाषाओं को मिलाकर, लगभग 5 उपभाषा हैं उनको मिलाकर एक हिंदी बनी, उसी तरह से कई सारे राज्य को मिलाकर एक देश बनता, भारत देश बनता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। चलिए उपभाषा देखते हैं। देखिए जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है और
जब बोली, देखिए बोली थोड़ा सा विस्तारित होता है, उसमें साहित्य रचना करने होने लगे और उसके क्षेत्र का विकास हो जाए, तो बोली ना रहकर क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए कुल भाषा, हिंदी भाषा कुल 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये याद रखेंगे, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो वो भी हम देखेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। चलिए अब बोली देखते हैं। देखिए छोटी बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है ना। हमने क्या बताया कि बोली, आप थोड़ी थोड़ी दूर जाओगे बोली आपकी बदलती रहेगी। ठीक, बोली क्या होगी, बदलती रहेगी। जैसे हम मान लेते हैं अभी हम कहाँ हैं, रायबरेली में। ठीक है, अभी हम रायबरेली में हैं। ठीक, तो रायबरेली में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कौन सी बोली है, अवधी। ठीक, थोड़ी दूर हम निकल जाएंगे, मान लिया हम थोड़ा सा दूर निकले, ठीक पहुंच गए भैया आगरा। कहाँ पहुंच गए, आगरा। तो यहाँ पर बोली चेंज हो गई, यहाँ पर ब्रजभाषा बोला जाने लगा। क्या हो गया, ब्रजभाषा। ठीक, अब उसके आगे मान लिया हम रामपुर पहले पहुंच गए थे ना, रामपुर गए, तो रामपुर में हमने क्या देखा, खड़ी बोली बोली जाने लगी। ठीक, या फिर हम झांसी पहुंच गए, तो झांसी पहुंच गए वहां पे क्या, बुंदेली बोली जाने लगी। मतलब क्या है कि बोली बदलती रहती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे बोली बदलती रहती है, इसका कोई बड़ा क्षेत्र नहीं होता। ठीक, अगर हम भाषा की बात करते भैया, पूरे उत्तर प्रदेश में भाषा तो एक ही है ना, हिंदी। ठीक, तो ये चीज़ है, बोली बदलती रहती है। ठीक, तो वही चीज़ है कि बोली का क्षेत्र छोटा होता है, इसमें साहित्य रचना नहीं होगी। और कई बोलियां मिलकर एक उपभाषा बनाती हैं, और कई उपभाषा मिलकर एक भाषा बनाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हिंदी जो एक भाषा है, हिंदी, हिंदी की 5 उपभाषा हैं और 18 बोलियां हैं। कहीं कहीं पर आपको 17 भी मिलेंगी, आप वो भी टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शंस में है। ठीक, तो अगर 17 है, 18 नहीं, तो आप 17 कर सकते हैं, अगर 18 तो आप 18 कर देना। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए देखिए अब देखते हैं कि बोलियों के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए उपभाषा, 5 उपभाषा हैं और पूरे 18 बोलियां हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि कौन से उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। यूपीएससी में बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन। देखिए पहली उपभाषा जो है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या होता है, अर्धमगधी। ये क्या होते हैं, अपभ्रंश होते हैं, अपभ्रंश, जहां से इनका जन्म होता है। ठीक, अपभ्रंश, इस पूर्वी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से। कौन से भ्रंश, अर्धमगधी से ना, मगध के आसपास के क्षेत्र। ठीक, मगध के आसपास के क्षेत्र अर्धमगधी होते हैं। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे, या भ्रंश हैं याद रख लेना, नहीं जिसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, बोलियां आएंगी, सॉरी बोलियां आएंगी। ठीक, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप ABC करके याद कर सकते हैं, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आएंगी, बोलियां आएंगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीन, केवल तीन। ठीक, अब आगे बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। बहुत ही अच्छा है, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए पश्चिमी हिंदी क्या होती है, इसके ये सौर सैनी अपभ्रंश देने के लिए है। देखिए इसके अंतर्गत ये सबसे बड़ी है। ठीक, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, 5 बोलियां। ठीक, देखिए ब्रजभाषा है ना, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 5 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जैसे ब्रजभाषा आगरा हो गया है ना, कन्नौजी, एटा इटावा इस तरफ से है ना, बुंदेली, झांसी, हरियाणवी, हरियाणा के, खड़ी बोली पता है मथुरा थोड़ा में। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं, सॉरी खड़ी बोली आपका मेरठ क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे बहुत अच्छे से। ठीक, अगला है बिहारी हिंदी। ये देखिए मागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक, इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक, मैथिली, मगही, भोजपुरी। उसी तरह से राजस्थानी हिंदी। ठीक, राजस्थानी हिंदी इस ये सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है, इसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। देखिए ये 4 हैं, चारों में से हम किसको क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको हम जयपुरी को हम पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी, और मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी, और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भाषा। ठीक, और इसको मालवी को दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोलते हैं। ठीक, ये राजस्थानी हिंदी के, हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, 5 बोलियां, 4 बोलियां। ठीक, अगला देखते हैं पहाड़ी हिंदी, देख लेते हैं पहाड़ी हिंदी में। इसकी जो अपभ्रंश है वो खस है। ठीक है, इसमें गढ़वाली, कुमायूनी, कोई कोई नेपाली मानता है, वैसे कोई नहीं मानता, अगर मानेगा तो 18 हो जाएगी, नहीं तो फिर 17 होंगे। ठीक, तो आपको 17 18 में जो भी ऑप्शन मिले आपको उसको प्रिपेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मातृभाषा क्या होता है। हमने देखा भी है माँ के मुंह से जो निकलती है, परिवार में जो बोली आती है उससे जो हम सीखते हैं, जैसे बचपन में हम क्या सीखते हैं, जो भी आस पड़ोस के लोग बोलेंगे, मम्मी बोलेगी है ना, उसी के मुंह से हम देख देख के सीखते हैं। जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उन्हें ही फॉलो करता है। ठीक, अगर आप किसी इंग्लिश क्षेत्र में हो तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे ना, वही क्या होती है मातृभाषा। जैसे आप उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं तो आप क्या
आपके घर परिवार की लैंग्वेज कैसी होगी, हिंदी होगी तो आप हिंदी सीख जाओगे, वही आपकी क्या होगी मातृभाषा। ठीक, पश्चिम बंगाल में हो तो आपको बंगाली याद हो जाएगी, बंगाली आप बोलना शुरू कर दोगे, बच्चा छोटा सा होगा फिर उसके बाद जैसे बढ़ेगा वो बंगाली बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर तमिलनाडु से तो आपको तमिल भाषा आपकी मातृभाषा हो जाएगी। ठीक, तो ये अगला देखते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, इसको हम दरबारी भाषा बोल सकते हैं। ठीक, राजभाषा क्या होती है, इसको हम दरबारी भाषा बोल सकते हैं। देखिए, जो राजकाज की भाषा हो, जो ऑफिस में यूज हो, ठीक, ऑफिस में यूज हो, वहाँ पे जैसे मान लें कार्यालय में, सरकारी कार्यालय होगा, इसे हम दरबारी भाषा कहते हैं। जैसे कि पहले मुगल के शासन में या फिर राजा महाराजा के शासन में दरबारी भाषा होती थी, जैसे मुगल में अरबी फारसी बोलते थे ना, उसी तरीके से हर एक जिसको हम राजभाषा, राज में राजकाज की भाषा ना, जो कहें राजकाज मतलब काम में जो यूज होती है ना, ऑफिसल, ऑफिस के काम में, ठीक, वही भाषा क्या होती है, राजभाषा। ठीक, अब राजभाषा का उल्लेख हम देखते हैं कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसे देख सकते हैं, जो भाषा राज के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। ठीक, भारत की राजभाषा हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक, याद रखेंगे कि किसको, हिंदी को। और एक चीज और कि हिंदी की लिपि क्या होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लिपि क्या होगी वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक, किस लिपि को मान्यता दी गई है हिंदी की। ठीक, तो वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक, अगर देखते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई, यूपीपी या अन्य एग्जामों में, यूपी स्पेशल के, ठीक है, कि हिंदी दिवस कब मनाया था, 14 सितंबर को। अब देखिए, कभी कभार कंफ्यूजन कर देता है, विश्व हिंदी दिवस तो लोग 14 सितंबर लगाते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया था। क्यों मनाया था, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 10 जनवरी याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं 10 जनवरी कर देना, और अगर हिंदी दिवस की बात करते केवल हिंदी दिवस की, तो आपको 14 सितंबर कर देना है। ठीक, किस लिए 14 सितंबर, ये भी याद रखना कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि देखिए, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ, तो वर्ष 1955 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। ठीक, चलिए, अगला है संविधान में राजभाषा का वर्णन कब कहाँ किया गया, तो भाग 17 में देखेंगे, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजभाषा का वर्णन कहाँ कहाँ में अनुच्छेद में, तो भाग 17 में, और कहाँ से कहाँ तक है, 343 से लेकर 351, 343, 351 तक। ठीक, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची की, तो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आठवीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का वर्णन है, कितनी, 22 भाषाओं का उल्लेख आपके संविधान की आठवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अगला देखते हैं राष्ट्रभाषा। देखिए, राष्ट्रभाषा का, राष्ट्र की अधिकांश या संपूर्ण जनता द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे चीन की राष्ट्रभाषा क्या है, चीनी, ठीक, चीनी, जापान की जापानी है ना, जापानी, तो इस तरीके से भाषाएं होती हैं कुछ जो कि पूरे देश में बोली जाती हैं। तो जैसे हिंदी का हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं कि आप उत्तर मतलब जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक, तो आपको हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड अभी हिंदी की कुछ वीडियो, बोली के बारे में और विस्तार से हम वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि क्या होगी। ठीक है, आप संविधान में क्या बताएगा, कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।